एक और आदमी का स्वागत करना है ओडिशा में। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज ओडिशा आए हुए हैं और उनके स्वागत में हम कुछ सवाल उनसे भी पूछना चाहते हैं। 10 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री बने हुए, 24 साल हो गए आपके समधी को यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए। इस 10 साल में चिटफंड स्कैम का क्या हुआ? इस 10 साल में माइनिंग स्कैम का क्या हुआ? मैं शरद पटनायक जी से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको मुंह भी मीठा करें, आपको मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि जो छिप छिप कर प्यार कर रहे थे बीजेपी और बीजेडी वाले, उनकी शादी इन्होंने करा दी। और जब उनकी शादी हो गई, रिश्ता सबके सामने आ गया, तो ओडिशा की जनता ये प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि क्या कारण है कि ओडिशा में जितने ठेके होते हैं, जितने टेंडर होते हैं, ओडिशा के लोगों को क्यों नहीं मिलते, बाहर के लोगों को क्यों मिलते हैं? क्यों ओडिशा के जंगल, जमीन, जल, मिनरल्स, जितने भी धातु, जितना कोयला, सब कुछ आप बाहर के लोगों को क्यों बेच रहे हैं? और ओडिशा के लोगों का हक जिन जंगलों पर है, जिस जमीन पर है, जिस जल पर है, वो हक आप किसी और को दे रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को तो पूरा जानकारी है, एक बाहर का आदमी VRS मांगता है 24 घंटे में, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में सरकार है 24 घंटे में उसको VRS दे देती है। वो बाहर का आदमी पूरे ओडिशा का राजा बना हुआ घूम रहा है, हेलीकॉप्टर पे सुबह से शाम तक घूमता रहता है। पांड्यान का नाम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। ये क्या हाल इस राज्य का बना रखा है? अपने पिता की जो विरासत थी, बिजू साहब की विरासत पे हम सबको गर्व है, ऐसी बात नहीं है, वो विरासत बर्बाद कर दी। और नरेंद्र मोदी जी, जब आप यहाँ ओडिशा में आते हैं, तो आप कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे उन लाखों परिवारों से जिनका चिटफंड स्कैम में नुकसान हुआ, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए? कैसे उन लोगों से आप मिलेंगे जिनका माइनिंग स्कैम की वजह से पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई, लाखों ऐसे परिवार? तो ये सारे सवाल का जवाब दिए बगैर प्रधानमंत्री अगर वापस दिल्ली जाएं तो क्या फायदा आपको सवाल पूछने चाहिए? आजकल डरे हुए बहुत हैं प्रधानमंत्री जी। क्यों डरे हुए हैं बता देता हूँ। उनकी सारी नज़र तो हमारे तरफ होती है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का सर्वे उनके हाथ में पहुंच गया और उस सर्वे में दिखाया है कि इस बार ओडिशा में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। वो सर्वे देखा, डर गए, डर के मारे आ गए आज यहाँ। तो डर दो कारणों से है, एक तो हमारा सर्वे जो उन्होंने देख लिया, दूसरा उन्हें मालूम है कि 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ओडिशा के लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल में आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया। इतना भ्रष्टाचार, चिटफंड स्कैम का जो CBI इंक्वायरी थी वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑर्डर की थी। माइनिंग स्कैम में जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बाद हमारी सरकार तो 2014 में चली गई, आज 2024 है, क्या हुआ? क्या कोई CBI इंक्वायरी हुई? क्या कोई अरेस्ट किया? और हमें मालूम है नाम, आपको भी मालूम है नाम, आप तो सब पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं लोगों की, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हम आज प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं, ये रिश्ता आपका और BJD का ऐसा कैसा रिश्ता है कि आप इन्हें बचाते रहते हैं? ये कुछ भी भ्रष्टाचार कर लें आप इन्हें बचाएंगे? किसी की राज्यसभा होती है, वोट आपस में एक दूसरे को लेन देन हो जाता है, ये क्या है रिश्ता आपका? सरेआम खुलकर अब ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, BJP और BJD में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। जैसे चाय में चीनी मिल जाती है ना, वैसे मिल गए आपस में। आज 24 साल हो गए, ओडिशा बदलाव के लिए तैयार है और कांग्रेस भी तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए। और ये वादा करते हैं कि माइनिंग स्कैम हो या चिटफंड स्कैम हो, कितना भी बड़ा नाम हो, एक्शन लिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
ये आज हम यहां बैठकर आपको वादा करके जा रहे हैं, हम तमाम लोग जो यहां बैठे, आने वाला चुनाव ओडिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ना केवल इसलिए कि लोगों को न्याय मिले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से भी निकली, वो लगातार बता रहे हैं कि किस किस वर्ग के साथ, ओबीसीज के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक घंटे में दो नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में,